हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनकी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत कन्फ्यूज में हो, जनरल प्रेडिक्शन देख देख के आप थक चुके हो, वेट कर रहे हो, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो आप लोग ज़रूर एक बार पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है और पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके लेना होता है, पेमेंट करके बुक करनी होती है। तो जिनको चाहिए तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल मैसेज ना करें, यही मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है। चलिए देख लेते हैं जनरल प्रेडिक्शन नो कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो आज फुल मून है, तो फुल मून की एनर्जी देखेंगे कि आपके पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ा है फुल मून का, और ओवरऑल आज के दिन में आपके पर्सन की कैसा मूड है, कैसा एनर्जी है, क्या कुछ हो रहे हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे एक ही रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की कारण सिचुएशन क्या है आज के दिन में, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ हो रहे हैं उनके लाइफ में। चलिए देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की कारण सिचुएशन। कार्ड जो है जंप करके आ रहे हैं। कारण सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच के देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। फुल मून है आज और कैंसर राशि में है, जो कि चंद्रों का ही राशि है, मून का ही राशि है, और यहाँ पर तीनों कार्ड जो आए हैं बहुत ही पॉजिटिव। ऐसे तो चारों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं और ये जो लास्ट का तीन कार्ड है क्वार्टर साइन का कार्ड है, ठीक है, इमोशन को दिखा रहे हैं, प्यार को दिखा रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ लॉयल एनर्जी को दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड एंजल, ओके, द हर्मिट, बॉटम द डेक में है द एम्परर। तो ये सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि क्या एनर्जी है आज के दिन में आपके पर्सन की। सबसे पहले साइन में बता देती हूँ, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बाकी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आज के दिन में फायर साइन बहुत ही कम आए हैं, मतलब अभी तक नहीं आए हैं फायर साइन, ठीक है, ओके। तो कारण सिचुएशन कैसा है आपके पर्सन की, आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं सिचुएशन में, स्पेशली आपके साथ उनका जो रिश्ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ये दो कार्ड, टेन ऑफ कप्स के साथ टू ऑफ कप्स। अगर आप अपनी हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप लोगों का बच्चा भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग यहाँ पर सिंगल है या फिर ओनली लवर्स है, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन प्यार का इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपके साथ ही फ्रूटफुल रिजल्ट वो चाहते हैं, आपके साथ ही बच्चा चाहते हैं, आपके साथ ही लॉन्ग टर्म रिश्ता वो चाहते हैं, ओके, आपके साथ हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कपल है, उनके साथ बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा, ठीक है, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर पेड़ है दोनों तरफ से, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, पेड़ के नीचे फ्रूट्स गिरे हुए हैं, मतलब कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हारमोनियस लाइफ आपके पर्सन चाहते हैं। साथ ही साथ आप दोनों के घर में एक पेड़ भी रहेगा, ऐसा आपके पर्सन इमेजिन करते हैं, आप दोनों का एक हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहेगा, आप दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, प्यार वाली,
और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा टाइम रहेगा आप दोनों का, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर। और फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स के पेड़ है। पिंक कलर जो है लाभ को दिखाते हैं, लाभ को डिनोट करते हैं, लाभ वाइब्रेशन को डिनोट करते हैं। यहाँ पर रेड कलर है जो कि फायरी एनर्जी को दिखाते हैं, रोमांटिक एनर्जी को दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर वाटर की जो है कलर है ब्लू कलर, जो कि वाटर की कलर माना जाते हैं, तो ब्लू या फिर स्काई कलर जो कि इमोशन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ग्रीन कलर है जो कि हार्ट चक्रा को दिखा रहे हैं, हार्ट की एनर्जी को दिखा रहे हैं, ट्रू लव को दिखा रहे हैं, लॉयलिटी को दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत वो कर रहे हैं आपको इस टाइम पे, आज के दिन में वो रियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करना, टेक केयर करना, नर्चर करना। ठीक है, बहुत प्यारी वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर किसी ना किसी एरिया ऑफ फील्ड में टावर मूवमेंट आपके पर्सन को फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। अगर आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया था, हस्बैंड वाइफ के बीच टावर मूवमेंट आ गए थे, पेंटिकल में टावर मूवमेंट था आपके पर्सन की, करियर में टावर मूवमेंट था, तो यहाँ पर रिकवरी आ रहा है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर आपके पर्सन सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, या तो फिर करियर में कुछ ग्रोथ उनको देखने के लिए मिलेगा, या फिर वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में है, या फिर हो रहे हैं फाइनेंशियली एंड मेंटली। ठीक है, स्पेशली जिनका भी करियर में टावर मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पर ग्रोथ दिखेगा। या तो फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली के सुनते थे, मम्मी के सुनते थे, ओके, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के सुनते थे, फादर के सुनते थे, दादा के सुनते थे, मतलब दादाजी के सुनते थे, या फिर सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर थोड़ा पुराना विश्वास रखते थे, पुराने दिनों की जो ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है, ठीक है, पुराने जो लाइफ पैटर्न है उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे कि अगर कोई दोनों तरफ अगर आप लोग मैरिड हो अलग अलग पर्सन से, तो आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, या फिर किसी का भी यहाँ पर बच्चा है और कोई पूरा ही सिंगल है, तो यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता, सोसाइटी क्या सोचेंगे, या फिर किसी का बहुत ही ज़्यादा एज है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ओके, तो जिसके बारे में यहाँ पर जो है ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो ये टावर मोमेंट को ओवरकम करेंगे आपके पर्सन, और आपके तरफ एक प्यार का काब लेके वो आएंगे। कुछ लोग के पर्सन थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन आएंगे डेफिनेटली वो, ओके, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे कुछ लोग को अगर मधुमक्खी दिख रहे हैं गाइस, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बुरा फेस से गुजर रहे हो, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। जो भी आपका ये बुरा फेस है, जो भी इस टाइम पे आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, यही चीज़ आपको आने वाला टाइम में जो है बहुत पॉजिटिव चेंजेस देंगे। ठीक है, यही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जी की बात किया जाए, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ चाह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो यही जो है ओवरऑल उनकी एनर्जी है, यही वो आपके बारे में सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सडन डिसीजन है उनका। ठीक है, बहुत सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन है, तो लोग अगर कुछ चीज़ों को बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, तो वो उस डिसीजन पर स्टेबल रहते हैं। तो मतलब ये जो डिसीजन होगा, ये स्टेबल डिसीजन होगा, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बोल दिया और दूसरी पल कुछ होगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपके तरफ ही आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर ये रिजल्ट कुछ लोगों के लिए दिखाई देगा, जो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो, अपने करियर में फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में हैप्पी हो, ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आपका जो बुरा फेस है वहाँ से आप लर्न कर चुके हो काफ़ी हद तक। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए कुछ कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर, इस डेक से हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, प्लीज संजय क्लैरिफाई करें कार्ड्स को इस डेक से। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आए हैं, एक कर गिरा है, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन है और आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को चेस कर रहे थे पहले, बहुत ज़्यादा सामने से कॉल मैसेज करना, टेक्स्ट करना, ठीक है,
और अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, फिर भी आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, उसके पीछे अगर आप भाग रहे हो, तो ऐसी एनर्जी में अगर आप थे और वहाँ से आपने खुद को रिकवरी किया है, आप अपनी एनर्जी में अगर फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके तरफ वापस आएंगे। अगर आप अभी भी उनके तरफ चेजिंग एनर्जी में रहेंगे कि उनके लिए रोना तड़पना, सामने से कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, फिर भी आप सामने से गिड़गिड़ा रहे हो, मेरा मुझसे बात कर लो, मेरा कॉल उठा लो, क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा गाइस। जो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो, अपनी लाइफ में फोकस्ड हो और ऐसी एनर्जी में आप उठ चुके हो, बाहर आ चुके हो, डेवलप कर चुके हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपके पर्सन आपके तरफ आएगा। जिनका नो कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन था, तो उनके पर्सन वापस आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, स्पेशली आज फुल मून है और यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली फुल मून जो है हमारे इमोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली याद करेंगे और वापस आएंगे। दी टावर कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, थ्री ऑफ कप्स एंड दी फुल कार्ड, ओके, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, कोई फ्रेंड्स, कॉलीग, अदर पर्सन, अगर थर्ड पार्टी था आप दोनों के बीच, तो वहाँ पर टावर आए हुए हैं डेफिनेटली। देखिए फाइव ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का हालत ऐसे है, दुखी है, परेशान है, ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ दिया था, तो ये हालत आपके पर्सन की होने वाले हैं कि वो रिग्रेट फील करेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे, पास्ट की गलती के बारे में सोचेंगे कि पास्ट में उनके पास सब कुछ था, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिए है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं थर्ड पार्टी को चूज करके। तो ये जो टावर मोमेंट है, वहाँ से बाहर आने की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन जो है रियलाइज़ कर चुके हैं, जितना उनको लर्न करना था, सीखना था, उतना वो सीख चुके हैं, तो यहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाले हैं। नाइन ऑफ व्हील्स की एनर्जी क्यों आए हैं, किसकी एनर्जी है ये, ओके, नाइन नाइन, एक साइकिल एंड हो रहा है, और कौन सी साइकिल, थ्री ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल को लेके, करियर को लेके कोई भी अगर प्रॉब्लम था, स्लीवलेस नाइट था, वो एंड होने वाले है डेफिनेटली। यहाँ पर थ्री ऑफ वैन की एनर्जी है, जो भी वेटिंग सिचुएशन था करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, दिन रात देख करके वो काम कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है करियर के बारे में, ओके, और नाइन ऑफ पेंटिकल को बॉटम से नाइन ऑफ पेंटिकल ने ही क्लियरिफाई किया है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन पावर में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं, ओके, वो डिसीजन खुद से लेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली एंड मेंटली, ठीक है। हर्मिट का कार्ड क्यों आए हैं, इतना क्या सोच रहे हैं, सेवन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंस दिख रहा है कार्ड आपको, बॉटम द डेक में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंस में लॉसेस हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे थे, जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी रिकवरी नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो यहाँ पर फाइनेंस में न्यू बिगनिंग आ रहा है उनके लाइफ में, स्पेशली जिनके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम था, यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन को दिखेगा, जो लोग सही डायरेक्शन में हैं आपके पर्सन, ठीक है, जो जितना उनको लर्न करना था लर्न कर चुके थे अगर, तो डेफिनेटली दिखेगा, अदरवाइज रिलेशनशिप में अगर उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि कौन सी पर्सन मेरे लिए सही है, किसको चुनना मेरे लिए सही रहेगा, किसके साथ मैं जो है लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये अगर आपके पर्सन को नहीं पता था, तो उनको क्लैरिटी मिल चुके हैं, ठीक है, थीके? और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था यहाँ पर एंड कर रहे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, ठीक है, तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है गाइस, तो स्पेशली फाइनेंस को लेके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आ रहा है, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए बॉटम से ये दोनों कार्ड था, मैंने पहले कार्ड इसको ले लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए दोनों जो है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन की वाइब्रेशन है, कपल आ चुके हैं, दी वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन आ रहा है, जो भी कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक बंधन है, वो टूटेगा, वो साइकिल एंड होगा, और यहाँ पर एक कपल के बीच जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के पीछे एक पेड़ आपको दिख रहा होगा जो कि बहुत बड़ा है, स्टेबल है, ठीक है, इस दो कार्ड के पीछे देखिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला दो पेड़ हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है, लॉयल्टी को, स्टेबिलिटी को, हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। द एम्परर कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें, सिक्स ऑफ सोर्स, ओके, एम्परर को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है, देखिए गाइस,
और एम्परर एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं। ओके, अगर यहाँ पर किसी के हस्बैंड वाइफ यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, टॉक्सिक था, ठीक है, तो वहाँ से आपके पर्सन मूव ऑन करे। या फिर किसी के मम्मी डैडी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, थर्ड पार्टी था, डोमिनेटिंग था, ठीक है, जिनके वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वहाँ से आपके पर्सन लड़ाई झगड़ा करके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ बैलेंस किसके तरफ आ रहे हैं? आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, बहुत गुड एनर्जी में हो, गुड वाइब्रेशन में हो, और आपने जो है सच्चे दिल से किसी के लिए बुरा नहीं किया, नहीं चाहा। हालांकि आप खुद के लिए बहुत अच्छा चाहा, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। अगर ऐसी एनर्जी में आप थे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा, और ये डिसीजन आपके पर्सन ले चुके हैं, ठीक है। तो यही आपके पर्सन की कारण एनर्जी है, कारण सिचुएशन है, और फुल मून है आज, तो डेफिनेटली आज के दिन में या फिर आसपास आपको ये रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। यहाँ पर एक दो दिन के अंदर ये एनर्जी आपको रेजोनेट जरूर करेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपके रिश्ते में। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स की तरह उनके लव्ड वन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स की तरह उनके लव्ड वन का नेक्स्ट। देखिए कॉल मैसेज टेक्स्ट आने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कार्ड्स है, मैं इसको नहीं लूंगी। यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्स फाइट हुआ है किसी के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन टावर कार्ड, सॉरी डेथ कार्ड है ये, टू ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। जिन भी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक थे, अटके हुए थे, वहाँ से वो स्टैंड ले रहे ताकि वो बाहर आ सके। किसके तरफ आना चाह रहे हैं? जिनको वो प्यार करते हैं, और एक सिचुएशन को वो एंड कर देना चाह रहे हैं जहाँ पर फाइट हो रहा है, और एक कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहे हैं। फिर से सफल करते हैं और कार्ड्स को लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के तरफ? फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में? क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के तरफ? प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के तरफ क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। दी लवर, माई गॉड, पहला कार्ड ही लवर है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कार्ड, सेम कार्ड वापस आ गए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्स, और यहाँ से है क्वीन ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, अभी अभी आया था क्वीन ऑफ कप्स, फिर से आ गए हैं। ओके, देखिए लवर्स, आपके पर्सन जैसे कि अभी अभी हमने देखा था ना, टेन ऑफ कप्स के साथ टू ऑफ कप्स आया था, यहाँ से फिर से सेम एनर्जी है लवर्स के साथ। यहाँ पर वहां पर टेन ऑफ कप्स आया था टू ऑफ कप्स के साथ, और यहाँ पर आया है लवर्स के साथ टेन ऑफ पेंटिकल, तो सेम कार्ड आ गए गाइस घुमा फिरा के। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, और एंजल की प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, और जिनके पर्सन मतलब आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनका ऑलरेडी फैमिली है आपस में आप दोनों के बीच, तो डेफिनेटली रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, पॉजिटिव शिफ्ट है गाइस, यार एंडिंग में सेलिब्रेशन आ रहा है। जो लोग लवर्स हो यहाँ पर शादी और कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी अलग ऑप्शन था आपके पर्सन के लाइफ में, जो भी दो चॉइस था, यहाँ पर फाइट हो रहा है गाइस, फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स, देखिए सेम एनर्जी वापस आ गए हैं, बॉटम से एट ऑफ बैंस की एनर्जी है। तो बहुत जल्द आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं, कॉल मैसेजेस आ सकता है उनका अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रैपिड चेंजेस आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव शिफ्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर। कैसा सेलिब्रेशन, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा सेलिब्रेशन। देखिए फिर से टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए हैं, फिर से कपल यहाँ पर आ गए, देखिए तो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। माय गॉड, कप्स ही कप्स है, जैसे कि आज फुल मून है और कैंसर राशि में है, देखिए रियूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है,
किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की कॉल मैसेज बहुत सारे लोगों को रिसीव होगा 3 to 6 days के अंदर, ठीक है। 3 to 6 days के अंदर आपके पर्सन आपको रिसीव करेंगे। विद इन अ डे बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको। साथ ही साथ जो लोग हस्बैंड वाइफ हो, और इसके साथ और एक कार्ड आया था 10 of cups, हैप्पी फैमिली आपके पर्सन चाह रहे थे। यही मतलब मेन मैसेज है कि आपके पर्सन लॉन्ग टर्म रिश्ता चाह रहे, घुमा फिरा के बार बार यही एनर्जी आ रही है। 10 of pentacles, 10 of cups, 5 of swords किसके साथ फाइट हो रहे हैं, प्लीज इधर गाइड करें, किसके साथ फाइट हो रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेज ऑफ कप्स, द फूल, वाइज कंसीलर एंड अवेकनिंग। आपके पर्सन को नॉलेज मिल चुका है कि उनको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। जहाँ पर आपके पर्सन हैंग थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन है। उनको एक की मिल चुका है, एक चाबी मिल चुके हैं, और यहाँ पर एंजल फेदर्स आपको दिख रहे होंगे। हो सकता है आपके पर्सन भी टैरोट रीडिंग देखते हो, ठीक है। इनके जो बैग्स है, यहाँ से टैरोट कार्ड निकल रहे हैं। देखिए आप अगर अच्छे से आप देखें तो आपके पर्सन को भी हो सकता है कि टैरोट के गाइडेंस रिसीव हो रहे हैं। वाइज काउंसिलर, तो आपके पर्सन सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, वाइजली डिसीजन ले रहे हैं। और एंजल की प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स हमेशा है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन केयर फ्री होके आगे बढ़े। दी ड्रीमर, ठीक है, वो न्यू सपना को लेके बस आगे चलते जा रहे हैं, न्यू स्टार्ट, और खुद के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं आपके पर्सन, और विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। आपके तरफ एक ब्यूटीफुल सा ऑफर अपॉर्चुनिटी वो लेके आना चाह रहे हैं। एक रोमांटिक जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट मैसेज वो करना चाह रहे हैं। खुद की इंट्यूशन को वो फॉलो करेंगे। कहाँ से बाहर आ रहे हैं, जो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था, बार्डन था, जहाँ पर भी वो दबे हुए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उनका दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी वो यही उनको लग रहा था कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लेना ही लेना है। ये सारे गलत सोच के वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे थे, तो अभी वो फूल की तरह वहाँ से केयर फ्री होके रिस्क लेके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स कौन है यहाँ पर, द सन, एक्शन लेंगे। एक्शन क्या होगा, द चैरियट, बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है गाइस। द एम्प्रेस, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जस्टिस होने वाले हैं, न्याय करेंगे आपके पर्सन। जो भी आपने किया है आपके कर्म के अनुसार यहाँ पर न्याय होगा, ठीक है। चैरियट, यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर एक डायरेक्शन चूज कर लिया है, एक डिसीजन ले लिए हैं, और बस आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ए टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, तो आपके लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं, जॉयफुल मोमेंट आ रहे हैं, ठीक है। एक मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रहे हैं गाइस। ग्रेटिट्यूड करें डिवाइन को, अपने गॉड को, थैंक यू सो मच डिवाइन बोले, ठीक है, यूनिवर्स बोले, और जिन भी गॉड को आप मानते हैं उनको याद करें। आपके साथ न्याय होने वाले हैं, जस्टिस होने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोग के लिए लीगल मैटर, डिवोर्स केस ऐसा भी हो सकता है, जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कार्मिक सिचुएशन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वहाँ से वो बाहर आ सकते हैं, ओके, क्योंकि उनको इनफ जो है नॉलेज, विजडम मिल चुके हैं। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो कि बहुत ही पावरफुल इंट्यूटिव एनर्जी होते हैं, और ये कैंसर का ही कार्ड है, तो आज मून जो है कैंसर में है, तो डेफिनेटली ये डिसीजन आपके पर्सन ले चुके हैं अपनी जो है इंट्यूशन से, अपनी नॉलेज से, एंजल की गाइडेंस से, ठीक है। तो बैलेंस आपके तरफ बहुत जल्द रिसीव होने वाले हैं, बॉटम से बैलेंस का भी कार्ड है, बहुत बढ़िया शिफ्ट आ रहे हैं गाइस, बस क्लेम करें इसको अगर आपको रेजोनेट किया है तो। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, प्लीज इंट्रो गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को, कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ये रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और क्या कहूँ मैं, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आज के दिन में मेडिटेशन किया करें। ये पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम था उसका रिजोल्यूशन आने वाले हैं, और स्टार लाइट की तरफ से हम देखेंगे आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। स्टार लाइट, स्टार आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, स्टार लाइट से क्या गाइडेंस है, स्टार मेरे व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं, स्टार मेरे व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं, ओके। दो मैसेज आए हैं,
बॉटम से है कंट्रोल। देखिए काल, माय गॉड माय गॉड, काल इवनिंग में मैं इस डेक से जो है मैसेज लिए है, और दो ही मैसेज लिया था आप लोगों ने, देखिएगा जो लोग देखा है यही दो कार्ड आया था। आज फिर सेम एनर्जी निकल कर आया है, मतलब ये जो मैसेज है ना आपके लिए प्रोमिनेंट है 100% गाइस। आप लोग देखिएगा मेरे स्वॉर्ड में यही दो कार्ड निकल कर आए थे और आज भी यही दो कार्ड निकल कर आए हैं। होल्ड योर ग्राउंड एंड शाइन ब्राइट एंड अनवेवरिंग। तो डेफिनेटली जहाँ पर भी आप रहते हैं उसको पकड़िए, ठीक है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके नेचर के साथ बने रहिए, टच में रहिए, उनको प्यार करें, ओके, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को ले, उनको भी प्यार दे अनकंडीशनल, उनकी प्यार भी आप ले, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, उनके टच में रहें और साइन करें, खिले अंदर से बाहर से, आप हैप्पी रहें, साइन करें और स्टार की जैसा साइन एंड ब्राइट करें आप लोग, ठीक है, चमके आप लोग, यही मैसेज है। न्यूक्लियस की तरफ से दी पावर विद इन स्टार इज द पावर विद इन यू। जितना पावर स्टार के अंदर होते हैं सेम पावर आपके अंदर है, आप भी एक स्टार हो गाइस, यही बोलना चाह रहे हैं आपका स्टार लाइट, आपका स्टार, यही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितना पावर स्टार के अंदर है उतना ही पावर आपके अंदर है, आप भी एक स्टार हो गाइस। बहुत ही बढ़िया मैसेज है और बॉटम से है कंट्रोल। लिंक योर ओन कॉन्स्टिलेशन एंड टेक कंट्रोल। तो खुद के लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए गाइस, ऐसा नहीं है कि कोई अदर पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन की वजह से आप कंट्रोल्ड हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ मिल रहे है, तो आप क्या कर रहे हो कि फिर से उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, फिर से आपको तकलीफ हो रहा है, तो ऐसा क्या हो गया, मतलब आपके पर्सन ही आपको कंट्रोल में रखे हुए है, ठीक है। वो चाहे तो आपको हंसा सकता है, अगर उसने आपसे बात कर ली, प्यार से बात किया, आपको प्यार दिया तो आप खुश हो गए, अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया, ठीक है, आपके कॉल नहीं रिसीव किया, ब्लॉक कर दिया या फिर कुछ गलत बोला, तो आप रो रहे हो, परेशान हो, इसका मतलब क्या है, आपकी खुशी का कंट्रोल किसी और के पास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी खुशी का कंट्रोल खुद के हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है। तो कोई आपके साथ कैसा भी बिहेवियर करे, आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रहनी है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके लाइफ में नहीं पड़नी चाहिए, यही मैसेज है आपके लिए गाइस स्टार की तरफ से। बाकी रोमांटिक साइकिल आपके लिए आ रहा है, आपको मेडिटेशन करना है, आपका पर्सनल जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, यही मैसेज है आपके लिए। तो गाइस ये है फुल मून का रीडिंग विद नो कॉन्टैक्ट, होप आपको पसंद आया है, और अगर आपसे रेजोनेट किया है, कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट की है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आने वाले टाइम में भी अगर आपको कोई रिजल्ट दिखते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।